जब वे गलील प्रदेश में इकट्ठा हो रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, अब मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वा दिए जाएगा, वे उसकी हत्या कर देंगे, तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा। शिष्य अत्यंत दुखी हो गए। जब वे कफरनहूम नगर पहुंचे, तब उन्होंने जो मंदिर के लिए निर्धारित कर इकट्ठा करते थे, पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु निर्धारित कर नहीं देते? देते हैं, पतरस ने उन्हें उत्तर दिया। घर में प्रवेश करते हुए यीशु ने ही पतरस से प्रश्न किया, शिमोन, मुझे ये बताओ, राजा किससे कर तथा शुल्क लेते हैं, अपनी संतान से या प्रजा से? प्रजा से, पतरस ने उत्तर दिया, अर्थात संतान कर मुक्त है, यीशु ने पतरस से कहा। फिर भी ऐसा ना हो कि वे हमसे क्रुद्ध हो जाएं, झील में जाओ, जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुख खोलना, वहां तुम्हें एक सिक्का प्राप्त होगा, वही सिक्का उन्हें अपनी तथा मेरी ओर से कर स्वरूप दे देना।